बट मुझे ये बताइए, इसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ जुड़ी, आप W20 जो डेलीगेट्स में हैं, आप आपका नाम है, आप वहाँ जाने वाले हैं, डेलीगेट्स, फर्स्ट डेलीगेट्स फ्रॉम बॉलीवुड. सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, वो एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे कैसे आई है और किस तरह से आप जेंडर इक्वालिटी या बाकी चीज़ों की बात करेंगे? I think in 2019 or something, I was awarded the President's Award from the Women and Children Ministry for the work that I've done for the girl child. आप तो जानते ही हैं, right from the time I've entered the industry and even उसके पहले से I've been working for the empowerment of girl children and it's been a cause close to my heart. चाहे वो उस विषय में films बनवाऊँ या किस तरीके से messages दूँ या actual real में. आप जानते ही हैं कि I've even housed 30 चिल्ड्रेन इन माई ओन बंगलो, जब उनके लैंडलॉर्ड ने उनको निकाल दिया था, फिर उनके लिए ऑफनेज पूरा खड़ा किया बसई में. हमने प्रिया दत्त को इन्वाइट किया था ऑफनेज इनाग्रेट करने के लिए. तो ये सब काम मैं अपने आप में कर चुकी हूँ एंड आई थिंक. लेकिन आपको मालूम है मेरी PR मशीनरी कितनी ख़राब है. आप जानते हैं प्रशांत, मैं कभी कुछ PR नहीं करती हूँ या मैं इनके बारे में मीडिया को नहीं बुलाती हूँ कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया या मैंने ये किया. जी जी जी. मैं अपने आप में काम करती हूँ, तो जब ऐसे में जब एक्चुअल वर्क उसको रिकग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है एंड एक एक मोटिवेशन मिलता है हमको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी, के काम करने का और यू नो, कि आप और किसी की तरह. एंड आई फील किसी की भी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी चेंज या डिफरेंस आप ला सकते हैं तो हर एक को अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए. अगर आप सोच लो कि अगर सब ठान लें दुनिया में कि मैं अपनी सैलरी में से हर महीना 100-100 रुपये निकाल के एक डब्बे में डाल दूंगा या 200 निकाल के रख दूंगा. आजकल तो वो भी वैल्यू कम है एक्चुअली, पर कुछ लोगों के लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है. तो उतने निकाल के रख दूंगा, आप एक साल में जो जमा है, आप जो भी आपके लोकल ऑफनेज हैं उनको जाके किताबें खरीद के दे दीजिए, उनको पेंसिल्स दे दीजिए, उनको यू नो टिफिन बॉक्सेस दे दीजिए. इट मेक्स अ डिफरेंस. और अगर हर एक कोई करे, जितनी भी आपकी सैलरी हो, आपकी अगर 5,000 की भी सैलरी हो तो आप 50 रुपये निकाल के रखिए, अगर आपकी 10,000 की सैलरी हो आप 100 रुपये निकाल के रखिए. आई फील दैट वे एवरी वन कैन मेक अ डिफरेंस जितनी अपनी हैसियत है. अगर हम सब ये करने लगे जो कमा रहे हैं लाइफ में, तो व्हाट अ चेंज विल मेक टू द वर्ल्ड. बिल्कुल बिल्कुल. पर कोई सोचते नहीं है, सब सोच रहे हैं करना चाहते हैं चैरिटी लेकिन कहाँ करें, किधर दें, हमको पैसे नहीं देने. आप बेशक पैसे मत दीजिए, बिकॉज कभी कभी बहुत फ्रॉड भी हो जाते हैं कि पता नहीं चलता पैसे कहाँ जा रहे हैं. तो आप एक्चुअली मटीरियल चीज़ें खरीद के दीजिए, यू नो, एक्चुअली बाय मटीरियल थिंग्स एंड गिव.